देखो यहाँ पे अभी क्या क्या देखा था तुम लोगों ने, पंजाब क्राइसिस जो चल रहा था, इसके पहले कौन सा देखा था तुम लोगों ने इशू था? जम्मू कश्मीर का इशू देखा था, दूसरा कौन सा था? पंजाब इशू देख रहे थे। और पंजाब इशू में कौन कौन से टॉपिक देख चुके थे, तो कवर टॉपिक कौन सा था हमारे? पंजाब क्राइसिस देखा था, कौन कौन से क्राइसिस थे पंजाब में, कैसे डिमांड होती है एक सेपरेट स्टेट की, उन सबको देखा था। साइकिल ऑफ द वायलेंस देखा था, कैसे यहाँ पर वायलेंस के चैन से जैसे चलती है यहाँ पर, कैसे यानी कि जो अदर स्टेट जा रहे थे वहां पे मारे जा रहे थे, और पंजाब में तो चल ही रहा था इस तरह खून खराबा पूरी तरह से। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो पार्टी की कमान चली जाती है किसके हाथ में चली जाती है? अकाली दल के एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चली जाती है, और वो पूरी तरह से किसकी डिमांड कर देते हैं? सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या था, इस तरह का वायलेंस चल रहा था। और वो क्या चाह रहे थे? पूरी तरह से सेपरेट स्टेट चाहते थे, यानी सेपरेट कंट्री चाहते थे कि क्या किया जाए, एक खालिस्तान बना दिया जाए। फिर क्या होता है, आनंदपुर साहब तुमने रेजुलेशन देखा था, वहां पर क्या डिमांड की गई थी, कैसे क्या किया गया था। बाद में क्या देखा तुम लोगों ने, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। और वही मेन रीजन किसका बनता है? इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन का, मतलब क्या हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके ही बॉडी गार्ड के द्वारा, क्या कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ये सब कैसे हुआ, ये सब देखा था हम लोगों ने, कैसे क्या किया गया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ के बाद कौन बनेगा पीएम जो होगा, उनके बेटे बनेंगे, कौन बनेंगे? राजीव गांधी बनेंगे, इसके बाद आएंगे। तो यही देखना है, रोड टू पीस। तो क्या किया गया, पीएम राजीव गांधी, यहाँ पर क्या हो जाता है, 84 में जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राजीव गांधी को क्या कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो बना दिए जाते हैं। क्या हो गया, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं भारत के, कौन? राजीव गांधी बनते हैं। फिर क्या करते हैं, इन्हीं के बीच में जो भी होगा एग्रीमेंट, जो भी कुछ चलेगा, जो बातें चलेंगी, किनके बीच में होगी, इंदिरा गांधी और यहाँ के लीडर के बीच में, वो सॉरी किसके, राजीव गांधी और यहाँ है इनके लीडर के बीच में चलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो 84 में डेथ हो चुकी, उनको मार दिया गया था। तो इसी में होता है रोड टू पीस, यानी कौन कौन से इसमें स्टेप लिए जाते हैं। कहते पीएम राजीव गांधी हु कहते हैं क्या कि एज्यूम द ऑफिस आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, किसके बाद, जो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद कौन बना दिए गए थे, राजीव गांधी बना दिए गए थे। तो गांधी बिगन टू कहते हैं सेवरल अटेम्प्ट टू कहते हैं सॉल्व द पंजाब क्राइसिस, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टेप उठाए, क्या कि ये बहुत सारे स्टेप उठाते हैं, और स्टेप कौन से होते हैं, कैसे इस मैटर को सॉल्व किया जा सके। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए उनकी बातें चलती हैं, किनसे, इनके जो लीडर होते हैं अकाली दल के लीडर्स होते हैं, इनके बीच में क्या हो जाती है, बातों का दौर जारी रहता है कि कैसे भी शिशु को हम लोग खत्म करें। इसी में किया जाता है, होता क्या है, ऑन 24 जुलाई 1985 में क्या होता है, राजीव गांधी एंड कहते हैं अकाली दल जो प्रेसिडेंट होते हैं हरिचंद सिंह लोंगेवाल, इनके बीच में क्या होता है, बातचीत चलती है, किसके बीच में, हरिचंद सिंह लोंगेवाल के बीच में क्या होती, बात होती है, और कौन होते हैं, राजीव गांधी होते हैं वहां पे, इनके बीच में क्या चलती, बातचीत चलती है, और क्या करते हैं, साइन करते हैं, हिस्टोरिक कहता है पंजाब एकॉर्ड, और क्या करते हैं, एक पंजाब एकॉर्ड पे साइन करते हैं, दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, बैठते हैं, और दोनों लोग दिल से चाह रहे होते हैं कि हम क्या करें, इस चीज को खत्म करें किसी भी तरह से। तो ये साइन किसके बीच में होता है, राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में क्या हो जाता है, साइन होता है कि हम क्या करते हैं, पीस को मेंटेन करेंगे किसी भी तरह से। और बहुत सारे इसमें से स्टेप लिए जाते हैं कि क्या चल रहा था, यहाँ पर जो आर्मी लगा दी गई थी जिसको कहा जाता है ठीक है हम आर्मी हटा देंगे, बहुत सारे इसमें एक और साइन होते हैं किसके बीच में, राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में, जो जो पंजाब में चल रहा था उन सबको खत्म करना था किसी तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे साइन होते हैं यहाँ पे, और होता क्या, इट्स नोन ऐसे कहते हैं राजीव लोंगेवाल एकॉर्ड, और इसको किस नाम से जाना जाता है, राजीव लोंगेवाल एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों के एग्जाम में, पूछा जा सकता है व्हाट वाज राजीव लोंगेवाल एकॉर्ड क्या था, तो बताना पड़ेगा जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में, इसी को क्या कहा जाता है, राजीव गांधी लोंगेवाल एकॉर्ड कहा जाता है। और इस एकॉर्ड में क्या क्या था, तो इसमें देखो द कंडीशन ऑफ द एकॉर्ड आर, इसमें क्या क्या रखी गई थी चीजें, क्या क्या रखी गई थी, तो क्या क्या चीजें रखी गई थी, चंडीगढ़ उड़ भी तक कहता है ट्रांसफर टू द पंजाब, जो चंडीगढ़ होगा वो किसको दे दिया जाएगा, पंजाब को दे दिया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा, पंजाब को दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने बताया था एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था पंजाब का 1966 में, बना दिया, अलग कर दिया गया था पहले ही। फिर क्या था, अ सेपरेट कमीशन कहते हैं सॉल्व द पंजाब हरियाणा बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बनाते थे, क्या किया गया था, क्या बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कमीशन होगा, कुछ उसमें मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स क्या करेंगे, हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर का इश्यू चलता उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एकॉर्ड में थे, याद रखना क्या क्या बातें रखी गई थी कि उन्हें क्या चाहिए था। तो पहला कंडीशन क्या रख दी, चंडीगढ़ उड़ भी था पार्ट ऑफ द पंजाब, कि चंडीगढ़ किसका पार्ट होगा, पंजाब का पार्ट होगा। सेकंड हमारा स्टेप क्या था, एक सेपरेट कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है, किस लिए, टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब बॉर्डर, जो इश्यू चल रहा था पंजाब और हरियाणा का, इश्यू क्या करना, हरियाणा का, उसको सॉल्व करना था, इसमें एक और में था। फिर क्या था, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसमें क्या देखिए, उड़ भी कहता है सेटअप फॉर द कहता है डिसाइड द
शेयरिंग द रावी एंड ब्यास का जो वाटर था ये डिस्प्यूट चल रहा था, किस किस के बीच में चल रहा था, यहाँ पे देखो जो हरियाणा वगैरह जो स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे थे तो पानी भी वहीं से ही आएगा, तो कौन हो गया जो पंजाब हो गया जो हरियाणा चल रहा था, तो इनके बीच में क्या था जो एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया वो क्या करेगा मैटर को देखेगा, किसके मैटर को देखेगा जो रावी और ब्यास का पानी कौन यूज करेगा कितना यूज करेगा। यहाँ पर भी एक कमेटी ऐसे बैठाई गई, यहाँ पर क्या किया गया कमेटी से बैठाई गई जो क्या करेंगे इसको सुनवाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस क्या रियलिटी है कैसे हम किसको वाटर कितना देना चाहिए, क्योंकि डिमांड किसकी थी पंजाब की थी कि हमें ज्यादा पानी यूज करना चाहिए, तो ये एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है राजस्थान वगैरह देख, पंजाब हो गया राजस्थान हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया क्योंकि नदी यहीं से आती इस तरह, तो इनका होगा कौन कितना पानी यूज कर सकता था, इसमें डिस्प्यूट था तो इसमें एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया। फिर कहता है द गवर्नमेंट वुड बी कहता है क्या कि प्रोवाइडेड द बेटर ट्रीटमेंट एंड कहता है कौन इसमें कंपनसेशन किसकी बात की जाती है कंपनसेशन की बात की जाती है, गवर्नमेंट क्या करेगी कंपनसेशन देगी, किसको कंपनसेशन देगी जो इस क्राइसिस में क्या कर गए सफर कर गए, जो इस क्राइसिस में जितने लोग मारे गए क्योंकि बहुत इनोसेंट पीपल मारे गए थे, अगर इनोसेंट पीपल मारे गए हैं तो उनकी तो गलती थी नहीं, कुछ लोगों की वजह से वहां पर क्या हो गया पूरा पंजाब सफर कर गया, पूरा पंजाब सफर करने की वजह से सबको मार दिया गया इस तरह, काफी लोग मैंने बताया था दिल्ली में लगभग 2000 मार दिए गए और कानपुर वगैरह में देखा 100 से ज्यादा मार दिए गए इस तरह, यानी पूरे कंट्री में क्या चल रहा था एक वायलेंस का माहौल चल रहा था, तो उस वायलेंस के माहौल में जितने सिख मारे गए उनको कंपनसेशन की बात की जाती है, हम क्या करेंगे उनको कंपनसेशन देंगे हरजाना देंगे जो जो यहाँ पर क्या हो जाता है उनके साथ में ऐसा किया जाता है। बाद में कहता है आर्म फोर्सेस कहता है स्पेशल पावर कहता है एक्ट इन पंजाब कहता है उर्विदा बिट कहते हैं, यहाँ पर क्या किया गया जो पंजाब में मैंने बताया था यहाँ पर क्या कर दिया गया था जो आर्म फोर्स लगा कर रखी गई थी, आर्म फोर्स किस लिए लगाई गई थी क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को सॉल्व करना था, तो यहाँ पर कंडीशन को सॉल्व करने की वजह से यहाँ पर आर्मी को लगा कर रखा गया, तो इसी अकॉर्ड में ये रहा था हम क्या करेंगे अपनी आर्मी को भी क्या करेंगे पीछे रखेंगे, यानी कि जो वहां पर हमें डर का माहौल बना हुआ था जिस तरह कंट्रोल करना था इस अकॉर्ड के थ्रू क्या कर दिया गया उसको सॉल्व किया गया। तो पहला हमारा क्या था चंडीगढ़ किसका पार्ट होगा पंजाब का पार्ट होगा, दूसरा क्या था सेपरेट कमीशन बना दिया गया था किसको देखने के लिए हरियाणा बॉर्डर को डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तीसरा क्या हमने देखा था ट्रिब्यूनल बनाया गया किसके लिए जो वाटर का डिस्प्यूट चल रहा था इसको सॉल्व करना था, फिर क्या था गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पर बेटर ट्रीटमेंट देगी किसके लिए क्या करना था उन्हें कंपनसेशन देना था, तो ये यहाँ पर बात रखी गई कंपनसेशन दिया जाएगा, फिर क्या होगा जो आर्म फोर्सेस वहां पर लगाकर रखी गई थी इनको क्या किया जाएगा हटाया जाएगा। तो इस तरह क्या था ये पंजाब का पूरा क्राइसिस चल रहा था और ये सॉल्व नहीं हुआ, आज भी कह सकते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली, ये एक्ट बना तो दिए गए लेकिन आज भी क्या था इस तरह नहीं आया वर्क में जो चाह रहे थे, लेकिन क्या था मैटर सॉल्व हुआ लक्ष्य इसके अकॉर्ड के साइन होने के बाद भी कह सकते दसों साल तक क्या था यहाँ की कंडीशन डिस्टर्ब रही कहां की पंजाब की, तो इस तरह क्या था हमारे पूरा पंजाब क्राइसिस था जो हमने देखा। अब क्या देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में हमारे कौन कौन से क्राइसिस चल रहे थे तो वहां पर कैसे होता है, एक तो ये देखा हमने जम्मू कश्मीर का हो गया, दूसरा क्या पंजाब हो गया, अब देखेंगे तीसरा नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट इशू का जो चल रहा था, अभी तक किसका देखा जम्मू कश्मीर के इशू को देखा था, पंजाब को देख लिया पूरी तरह से, अब किसका देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे क्राइसिस चल रहे थे, यहाँ पर कैसे डिमांड करने लग जाते हैं, यहाँ पे लोग कैसे डिमांड करते हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या है, क्योंकि कह सकते जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर भी कहते प्रिंसली स्टेट ही थे, क्या थे प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पर भी बवाल चल रहा था किसी न किसी तरह, यहाँ के भी ऐसे स्टेट चाह रहे थे कि हम भारत के पार्ट नहीं है, नागालैंड जैसे बहुत ऐसे अभी मिजोरम जैसे आएंगे कि हम कभी इंडिया का पार्ट थे ही नहीं, हमें तो फ्री रहना है हम स्वतंत्र रहेंगे, जब हम कभी इंडिया के पार्ट ही नहीं थे, जब अंग्रेजों ने हम पर कभी शासन किया ही नहीं है तो हम इंडिया के पार्ट कैसे हो गए, यहाँ पर ऐसा ऐसा इश्यू आएगा, कई सारे चीजें देखेंगे यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन क्या जानते, नॉर्थ ईस्ट पहले हमने बताया था कौन कौन सी कंट्रियां ट्रिक के थ्रू देखी थी, कौन सी ट्रिक क्या थी हमारी अनामामी एटीएम करके, तो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रियां पूरी क्या जाती है उसमें कवर हो जाती है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम आसाम त्रिपुरा ये सब क्या है इसी के सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं याद रखना, तो ये क्या है सेवन सिस्टर कह सकते हैं भारत से जुड़ा हुआ ही पार्ट है और कैसे कनेक्ट होता है एक पट्टी के कह सकते हैं छोटी सी 22 किलोमीटर की एक क्या है बॉर्डर जैसे हम लोग क्या करते हैं एड कर देती है हमें नॉर्थ ईस्ट से क्या कह सकते हैं कि क्या भारत का पार्ट होती भी क्या है ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर क्या है ध्यान नहीं दिया गया, अगर इस पर ध्यान दिया गया होता जो इशू यहाँ पर एराइज हुए थे ये कभी ही निकल कर ही ना आ पाते, यहाँ पर क्या था छोट कह सकते हैं सेवन सिस्टर है ये क्या है 4% कहते हैं पॉपुलेशन यहाँ पर क्या करती है भारत की रहती है कह सकते हैं कितनी परसेंट 4% पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या था एरिया इनका क्या छोटा है, पॉपुलेशन तो 4% लगती है 4% मात्र पॉपुलेशन रहती है लेकिन जो एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो क्या इनको कम दिया गया इनके पास, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पॉपुलेशन ज्यादा है इसी का इश्यू बनता है बहुत ज्यादा याद रखना,
इसी का इश्यू अभी आगे बनेगा। इश्यू कैसे बनेगा कि कुछ जो आउटसाइडर से लोग आएंगे तो कहाँ होगा, इंक्रोचमेंट करेंगे यहाँ पे, भीड़ भाड़ बढ़ाएंगे। अगर क्योंकि मैंने कहा पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है एरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या एक बैलेंस क्रिएट करेंगे कि इनको भगाया जाए। यहाँ पर भी एक इश्यू बनेगा, अभी आगे देखेंगे कैसे यहाँ पर आउटसाइडर का इश्यू बनाते हैं यहाँ के लोग आपस में कैसे। यहाँ पर क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग कह सकते हैं, क्या है मोस्टली यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहती हैं। कौन सा है, ट्राइब्स का। अभी रिसेंटली मैंने बताया था कहां पर मणिपुर इश्यू चल रहा था, तो वहां पर क्या था, ट्राइब्स तो आपस में लड़ गई। वहां पर क्या हुआ था, ट्राइब्स नहीं तो चला यहाँ पे जो मैथी को दे दी गई रिजर्वेशन वहां पे, ये क्या था, ट्राइब्स के इश्यू चल रहा था। तो यहाँ पर क्या, ट्राइब्स ही ज्यादा रहती है, तो वो क्या करती है, डिमांड करती है। आज जो आसाम देख रहे हैं हम लोग, वहां पर क्या है, पहले क्या था, अगर देखा जाए सिर्फ दो ही स्टेट थे, जितने भी स्टेट बने हैं चार से पांच, कहां से अब बनकर अलग हो गए, आसाम को तोड़ करके बनाया गया। तो आसाम कितना बड़ा स्टेट रहा होगा ये देखो, पहले आसाम कितना बड़ा रहा होगा, अब जाकर के वो छोटा सा दिख रहा है इस तरह। पांच स्टेट उससे अलग कर दिए गए, चार से पांच स्टेट करके हमने उससे अलग कर दिया, किससे, आसाम से। तो क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर किसी भी कंट्री को काउंटर करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि क्या था, हमें कहीं भी जाना है, कहां जाना है, अगर भारत ये हो गया, क्या था ये पूरा एरिया किसका हो गया, अगर भारत कहां जाना है, साउथ ईस्ट में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर भारत को यहाँ ट्रेड करना है, अगर चाइना को काउंटर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन देशों पे अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेड बढ़ाना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों, गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया जो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। आज भी गौर आजादी कितने साल बाद भी यहाँ पर क्या है, ऐसे लोग रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इसने, इन्होंने क्या किया, बहुत कुछ देखा। आज भी कंडीशन क्या है, इनकी इतने डेवलप नहीं जितना इनको होना चाहिए था, आज भी कितने डेवलप नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस निकले थे, बहुत सारे इशू बने थे। तो देखो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सेवन स्टेट, तो कांग्रेस कितनी स्टेट से बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं सेवन स्टेट है। इनको क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है इन्हें। स्मॉल कॉरिडोर कहता है अबाउट 22 किलोमीटर कहता है कॉन्टैक्ट ऑफ द रीजन ऑफ द कहता है रेस्ट कंट्री। कितनी किलोमीटर कनेक्ट करता है, 22 किलोमीटर कनेक्ट करता है, इंडिया को जोड़ देता है सीधी तरह, हम यहाँ तक कनेक्ट हो जाते हैं इससे। ऑन द अदर साइड ऑफ द दिस रीजन दिस कहता है शेयर द बाउंड्री विद द कहता है चाइना म्यांमार एंड कहता है बांग्लादेश। जानते हो किस से बॉर्डर बनाते हैं ये, किससे बॉर्डर बना रहा है, म्यांमार से, चाइना से, और किससे बना रहा, बांग्लादेश से। इस तरह क्या करते हैं, बॉर्डर बना रहा है ये स्टेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेन कहते हैं प्रॉब्लम विद द नॉर्थ ईस्ट, देखो मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी है इनकी, कि कौन से क्यों आखिर इन्होंने ऐसा किया। तो पहला क्या था, आइसोलेशन ऑफ द रीजन, मतलब क्या था, मैंने क्या बताया, पहले ही बताया था, इनको गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया इनके स्टेट पर। और कह सकते हैं पॉलिटिकल जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं बना पाए क्यों, अभी देखेंगे कैसे। एकमात्र दो दो स्टेट है यहाँ पे रीजन, यानी दो दो सीटें दी गई लोकसभा में, इतनी सीटें हैं, तो इनकी जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है इनके पास में। कि जहां से ज्यादा लीडर निकलने तो ज्यादा डिमांड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ज्यादा लीडर भी कुछ ऐसे नहीं निकले कि अपने आप को कनेक्ट कर सके इंडिया से। तो इन्होंने ऐसा फील किया, पहले क्या था आइसोलेशन ऑफ द रीजन, तो इन्होंने क्या फील किया, हमें ऐसा आइसोलेशन फील किया कि हमें क्या अकेला ही रखा गया, हम पे ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। हकीकत है गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान यहाँ पे नहीं दिया, तो इनको क्या करना चाहिए था, क्या करते हैं आइसोलेशन फील करते हैं। आइसोलेटेड रीजन था, छोटा सा कॉरिडोर ही है कनेक्ट कर रहा है इससे, तो हमने क्या कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया पूरी तरह से। तो इनके दिमाग में ऐसा रहा कि हमें क्या आइसोलेशन फील कर रहे थे, मेन प्रॉब्लम है यादव कांग्रेस समस्या थी इनकी। तो आइसोलेशन का क्लियर हो गया, आइसोलेशन था। कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर थे इनके, कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर क्या थे, क्योंकि जो बना हुआ पूरी तरह से यहाँ पे जो सिस्टम देखेंगे तो डिफरेंस है, क्या हिली एरिया है, पूरी तरह से हिली एरिया है, तो कौन से लोग है, ट्राइब्स लोग रह रहे हैं, और इनके क्या है, कह सकते हैं यहाँ पर हर एक की डिमांड अलग अलग है अपनी, ये अलग डिमांड रखते हैं, कुछ अलग ही अपने स्पेशल रखते हैं। तो देखेंगे इसके भी सोशल कैरेक्टर क्या थे, कैसे थे इसमें कॉम्प्लेक्स। फिर देखेंगे क्या, तो वास्ट कहता है इसमें, कहते हैं बॉर्डर्स वगैरह, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। म्यांमार से भी यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा, बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करते हैं कुछ स्टेट इसके, और चाइना से भी शेयर कर रहे हैं। तो क्या है, तो क्या पहली बात, इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते, तो इनको क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता कि तुम ऐसा करो हम तुम्हें ऐसा करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने विद्रोह किया, जो कह सकते हैं जब इन्होंने रिवोल्ट करना चालू किया था, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी तो खिलाफ किया, तो सपोर्ट कहां से मिल रहा था, पाकिस्तान के थ्रू। उस समय क्या था, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों क्या थे, एक ही थे। तो ये क्या कर रहे थे, जो यहां रिवोल्ट कर रहे थे छिप जाते थे जाकर के, यहां ईस्ट पाकिस्तान में आ जाते थे तो इनके लिए अच्छा होता था। तो ये भगते थे, यहां छिप जाते थे तहलका मचाकर, इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में कैसे जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, लेकिन ये जाकर के ऐसा पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट मिलता था, तो ये ऐसा काम कर रहे थे, देखेंगे उसको वो भी मिलेगा। फिर कहता है वीक कम्युनिकेशन विद, कहता है रेस्ट इंडिया। वीक कम्युनिकेशन क्या था, जो कम्युनिकेशन जो यहाँ पर बातचीत हो सके, मैंने कहा था लीडर पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर क्या थे, इतने स्ट्रांग नहीं रहे, कनेक्टिविटी नहीं रही, तो वीक कम्युनिकेशन सिस्टम भी रहा इनका, यानी कि बाकी इंडिया से।
जो इंडिया ने फील किया, अदर स्टेट ने फील किया, वहां नॉर्थ ईस्ट ने ऐसा अपने आप को कभी फील नहीं किया, ये कंडीशन रही। फिर क्या था, फिर माइग्रेशन, इसमें क्या था, माइग्रेशन क्या था, इसमें माइग्रेट हुए, माइग्रेट कैसे थे, जैसे मैंने बताया था बांग्लादेश से जैसे क्राइसिस चला, बांग्लादेश क्राइसिस चले थे 1971 में, तो वहां से क्या हो गए, बहुत से कह सकते हैं अदर स्टेट से या बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी क्या हो गए, यहां पहुंच गए, क्योंकि तुरंत पड़ रहा था, तुरंत पहुंच गया ऊपर, पास में पड़ गया, उसी स्टेट में रहने लग जाओ, तो इनको सबसे दिक्कत कहां हो गई, इनको दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई थी, कि यहां पर इनके जॉब छिन जाएंगे, इनकी लैंड छिन जाएगी, कौन ले लेगा, ये लोग ले लेंगे, तो इनको डर था ये हमारी जमीनें हैं, कौन कैसे हमसे छीन सकता है। आज भी देखेंगे मेघालय जैसे स्टेट में क्या है, जो मेघालय के लोग थे वो क्या हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, जो आउटसाइडर हो गए मेजोरिटी में हो गए, इस तरह के, तो इनको यही डर था, ऐसा हुआ भी, इनके साथ में ऐसा किया गया, तो इनको ये डर था कि जो आउटसाइडर आ रहा है उनको क्या किया जाए, उनको हटाया जाए। और ये साइन भी होता, राजीव गांधी के साथ में साइन भी होता, कई कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए जाते हैं कि हम क्या करेंगे, जो 1950 के बाद से जितने भी आउटसाइडर आए उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक मैटर क्या यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, कभी कभी क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट आती है तो मैटर क्या करता है, तूल पकड़ लेने लग जाता है, इश्यू बनने लग जाता है। तभी तो ये सब क्या था, गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया था, एक्ट पास किए थे, जो सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आई थी, ऐसे सबको देखा जाएगा तो सबको डरने लग गए थे हमको भगा दिया जाएगा भारत से, तो वो क्या था, सिटीजनशिप एक्ट इन्हीं की वजह से ऐसा किया गया था। फिर क्या था, देन मेजर इशू का, तो कहता है रीजन, तो ये क्या थे मेजर इशू, क्या है ये, इस रीजन के क्या है सब, ये मेजर इशू है, याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या था, यहाँ पर डिमांड पाता, कहते हैं ऑटोनॉमी, यहाँ के स्टेट क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, ये इशू सारा चला, तो डिमांड किसकी कर रहे हैं, जितने भी इस तरह के स्टेट है ऑटोनॉमी के, हम क्या क्या चाहिए, सेपरेट कर दो, बताएंगे, मैंने बताया ना, जैसे नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, कुछ ऐसे स्टेट होंगे, क्या करेंगे, हमको अलग कर दो, हमें नहीं रहना इनके साथ में। तो यहाँ इनको सॉल्व करने के लिए बातचीत चलती रहती है, प्लस अपनी आर्मी को भी लगाना पड़ता है, यानी एयरफोर्स का यूज करना पड़ता है इनको मारने के लिए, दबाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टेट में एयरफोर्स का यूज कर रही है, देखो इनको किसी तरह से सॉल्व किया जा सके मैटर को। फिर क्या किया गया, एक सीनेटर कहता मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, इसके लिए क्या किए गए, बहुत सारे मूवमेंट को दबाया दिया गया, अब बहुत सारे मूवमेंट चले, मैंने बताया था लीडर कहाँ भाग जाते, पाकिस्तान भाग जाते थे, तो ये था। फिर क्या था, मोमेंट क्या था, अगेंस्ट क्या था, आउटसाइडर, और यहाँ पर क्या चलाया गया, आउटसाइडर के लिए अगेंस्ट में मोमेंट चलाया गया, बताया था क्यों, कैसे मोमेंट थे आउटसाइडर के लिए, क्यों चला रहे थे मोमेंट वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है, हमारी रोजी रोटी छिन रही है, हमारे बॉर्डर छिन रहे थे, इसलिए क्या करना था इनको, ये मैटर थे। तो ये क्या कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इशू देखे थे, फिर डिटेल देखेंगे कैसे क्या इनको सॉल्व किया गया और कैसे यहाँ पर बातें चलती हैं।